वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि डेली आपकी रात में 9 बजे क्लास हो रही है और लगातार हम कोई ना कोई टॉपिक को बहुत अच्छे से पूरा ट्रिप के माध्यम से पढ़ते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही हमने काफी सारे कलाकारों को पढ़ा दिया है, उनके जो चित्र हैं जो आपको कभी याद नहीं होते थे लेकिन कुछ ही याद रहते थे बाकी भूल जाते थे, तो उन्हीं को हमने ट्रिक के माध्यम से एक पूरा माला में पिरो दिया है। तो आप लोगों ने अगर उस वीडियो को नहीं देखी है ना, तो हमने साइड में प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप लोग जाइएगा उस प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हमें क्या पढ़ना है, आज का जो टॉपिक है वो चेंज कर दिया है हमने, क्योंकि अगर आप एक ही टॉपिक को लगातार पढ़ते जाएंगे, चित्रों को ही लगातार आप पढ़ते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं बोरियत महसूस होने लगती है। ठीक है, तो आज हमने क्या किया है कि आज हम आपके जितने भी वाद हैं और उनके जो प्रवर्तक हैं और जो टाइम हमें एक्चुअल मिलता है वो हम आज पढ़ने वाले हैं और एकदम मजेदार ट्रिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल हंसते हंसते हंसाते हंसाते पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, और इसके पहले अगर आप लोगों ने जो क्लासें हमने पढ़ाई हुई है नहीं देखी है ना, तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, एक बच्चे का कमेंट आया था कि मैम आपने इतनी सारी स्टोरी बताई हुई है चित्रों में तो हम कैसे याद रखेंगे, उसको हम आपको बता दें। देखिए, स्टोरी तो आपकी केवल एक ही है और एक ही स्टोरी से आपके इतने सारे चित्र अगर याद हो रहे हैं तो स्टोरी याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई वो नहीं है, क्योंकि अगर आप चित्र याद करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी। अगर आप एक ही स्टोरी से पूरा चित्रों को पढ़े ले रहे हैं तो ये आपके लिए ज्यादा आसान होगा। ठीक है, बाकी अपना अपना तरीका होता है सभी का पढ़ने का, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपको किस चीज में सहूलियत मिल रही है। ठीक है, आपको स्टोरी से याद हो रहा है तो आप स्टोरी से याद कर लीजिए, आपको अगर खुद से चित्रों को याद करते बन रहा है तो आप खुद से याद कर लीजिए। ठीक है, हाँ चलिए, तो क्या करना है हमें पढ़ना है कलावाद और उनके प्रवर्तक के बारे में। ठीक है, यहां से आपको पूरी गारंटी है जब आप इस क्लास से बाहर जाएंगे तो आपके झोली में ये पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, भूल नहीं पाएंगे, इतनी पूरी गारंटी है हमारी, बस आपको रिवाइज करना है। ठीक है, रिवीजन नहीं छोड़ना है, ये नहीं कि बाद में आप बोल दें कि मैम हमने तो पढ़ा था हमें तो याद नहीं हुआ, रिवाइज करना पड़ेगा तभी आपका पूरा कंप्लीट हो पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो हमें पढ़ना है कलावाद और प्रवर्तक से। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे दिया हुआ है नववर्गवाद। क्या दिया है? नववर्गवाद। अब आपको क्या करना है, आपके मम्मी पापा बोल रहे हैं, कोई भी लड़का हो या लड़की, आप लोग इतना याद रखिएगा, कोई भी लड़का हो या लड़की, उनके मम्मी पापा बोल रहे हैं कि एक लाइन में लड़के खड़े हैं, लड़कियों के लिए बता रहे हैं, अगर कोई लड़की है वो ध्यान से सुनिए, लाइन में लड़के खड़े हुए हैं, आपके मम्मी पापा बोल रहे हैं, ये वर्ग पूरी, मतलब लाइन को वर्ग बोलते हैं ना, ये जो पूरी वर्ग लाइन खड़ी हुई है इनमें से किसी को भी चूज कर लो, तुम्हारी पसंद से ही करवाएंगे हम, इतने सारे लड़के खड़े हुए हैं आप किसी को भी चूज कर लो, तो लाइन से क्या याद रखना है, एक वर्ग लगी हुई है। ठीक है, और अगर लड़के हैं तो लड़के लड़कियों को समझ लें कि जो लाइन लगी हुई है वो लड़कियों की है और जो लड़कियां हैं वो लड़कों को समझ सकती हैं। ठीक है, तो मम्मी पापा एक लाइन में खड़े किए हैं, कह रहे हैं कि आप जिसको चूज कर लोगे उससे हम शादी करवा देंगे। ठीक है, तो अब ये थी हमारी ट्रिक, वर्ग से याद रखना है नव वर्गवाद और जॉन चोजे, चूज से याद रखना है चोजे। ठीक है, तो वर्ग से चूज कर लो, जिससे तुम कहो उससे करवा देंगे, तो पहला हमारा क्वेश्चन यहां से सॉल्व हो जाता है। दूसरा आता है प्रभाववाद। प्रभाववाद के तीन पार्ट, पहला है प्रभाववाद, फिर है नव प्रभाववाद, फिर है उत्तर प्रभाववाद। भूल नहीं पाओगे, इतना पूरी गारंटी है हमारी। प्रभाववाद में क्या है, जब कोई लड़की, मान लीजिए कोई लड़की है मोना, ठीक है, क्या नाम है उस लड़की का, मोना नाम है, तो मोने से याद रखना है जो प्रभाववाद होगा मोने हो जाएगा, एडवर्ड मोने, ठीक है, सॉरी क्लोद मोने, तो क्या है प्रभाववाद के कौन है, क्लोद मोने है। जब प्रभाव पड़ता है किसी लड़की पर स्टार्टिंग में, तो क्या है मोने पर प्रभाव पड़ा, सबसे पहली बात। ठीक है, अब जब स्टार्टिंग होती है, कहा जाए कि नया नया होता है, तो क्या होता है कि आप लोग सॉरी सोरा बहुत बोलते हैं, है ना, सॉरी सॉरी हर छोटी छोटी बात में सॉरी बोलते हैं, तो नव प्रभाववाद में क्या बोलते हैं, जब नया नया प्रभाव होता है आपके ऊपर तो क्या बोलते हैं आप लोग, नव प्रभाववाद में बोलते हैं ये जॉर्ज सोरा हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद आता है उत्तर प्रभाववाद, और जैसे ही कुछ समय बीत जाता है, मतलब लास्ट का टाइम आता है, तो आप क्या कहते हैं, अरे जा, कौन क्या बोलते हैं, अरे जा। ठीक है, याद रखना है, तो प्रभाव पड़ा किसका, मोने का, मतलब मोना एक लड़की है, मोने का प्रभाव पड़ता है,
और फिर आता है आपका नव प्रभावार, और जब नया नया होता है तो आप लोग सॉरी सोरा बहुत बोलते हैं, तो वही वही से याद रखना है आपको जॉर्ज सोरा। और फिर आता है उत्तर प्रभावार, और उत्तर प्रभावार में कहते हैं अरे जा, ऐसी लैंग्वेज आ जाती है लास्ट तक, ठीक है, जा से याद रखना है सेजम, ठीक है, अरे जा सेजम। तो ये सब आपको तीनों आपको याद हो गए होंगे, स्टार्टिंग में भी हमने पढ़ा दिया, अभी हम रिवाइज भी करवा देंगे, ठीक है, परेशान मत होइए, रिवाइज भी करवा देंगे, पहले इतना पढ़ लीजिए, ये हो गया। आगे चलते हैं भाववाद। अब भाववाद से कैसे याद रखना है, भाव से याद रखिए पाव भाजी, जो आपका पाव होता है ना बड़ा पाव, उसको आप कैसे खाते हैं, गर्म करके, और गर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माचिस जलानी होगी। तो भाववाद को याद रखिए माचिस से, हेनरी माचिस हो जाएगा, ठीक है। यथार्थवाद की बात करें, यथार्थवाद की, तो यथार्थवाद, यथार्थ का मतलब क्या है, यथार्थ का मतलब होता है जैसा है वैसा ही, मतलब यथार्थ मतलब बिल्कुल से जैसा है वैसा ही, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, यथार्थ को और सरल भाषा में और क्या बोलेंगे, जैसा है वैसा ही, ठीक है। यथार्थ का मतलब है जो चीज सही है वही है, मतलब आप बहुत ज्यादा मांगते हैं लोगों से, कहते हैं दो दो दो, ये आज की सच्चाई है, यथार्थ का मतलब सच्चाई होती है, ठीक है, यथार्थ का मतलब सच्चाई होती है, आप हमेशा मांगते रहते हैं दो दो दो, तो इससे याद रखना है यथार्थ का मतलब है ऑनियर दोमी, दो से दोमी याद रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे घनवाद की, घन की बात करेंगे, तो घनवाद की क्या होगा, आपका पाब्लो पिकासो, इसके जो प्रवर्तक है ना घनवाद के, कौन है, पाब्लो पिकासो हो जाएंगे, ठीक है, इसकी ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोगों को याद होता है। आगे चलते हैं अभिव्यंजनावाद की बात करें, अभिव्यंजना से याद रखना है व्यंजन, व्यंजन को कैसे कर, व्यंजन का मतलब क्या होता है, खाना होता है, और खाते कैसे हैं हम, मुंह के द्वारा खाते हैं, तो मुंह हो जाएगा आपका, ठीक है, अभिव्यंजनावाद मुंह हो जाएगा। दादा की बात करें, अब भैया जो दादा टाइप के इंसान होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हमेशा घूसा मारने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है, तो हम है दादा भैया, घूसा मारने के लिए तैयार है, घूसा से याद रखना है दुंशा, घूसा से याद रखना है दुंशा, और साथ में ज्यादा हमसे पिक पिक करी ना तो बस ठोक देंगे, ठीक है, तो याद रखना है दादा से याद रखना है दुंशा, और साथ में पिक पिक करी तो बस ठोक देंगे, तो पिका भी आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अति यथार्थवाद की बात करें, अब देखिए हमने यथार्थवाद में पढ़ा था आजकल की सच्चाई क्या है, यथार्थ का मतलब सच्चाई होता है, ठीक है, तो आजकल की सच्चाई क्या है कि बहुत ज्यादा लोग मांगते हैं, मतलब दो 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 वो करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन अति यथार्थवाद का मतलब क्या है कि अब तुमने ज्यादा ही मांग लिया, ज्यादा ही तुमने मांग लिया, तो क्या होगा कि बस छड़ी पड़ जाएगी, छड़ी को हम कहते हैं बेत, ठीक है, याद रखना है, तो कहां गया ये, अति यथार्थवाद को हम क्या बोलेंगे, आंद्रे ब्रेतो, तो प्रवर्तक, ये सारे प्रवर्तक हैं इसके दिए हुए हैं, ठीक है, याद रखना, ये बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, और कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम दे देना, यहां से एक क्वेश्चन 100% मिलेगा, लिख कर ले लो, एक नंबर आपका पक्का है एग्जाम में, एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा, और अगर टाइम पूछ लिया तो दो क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके, ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। यदि यथार्थवाद हो गया, अब आते हैं किरणवाद की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करेंगे, किरणवाद की बात करेंगे, ठीक है, तो किरणवाद को तो सब लोग जानते हैं ना, मिखाइल लोरियानोव, ठीक है, सभी लोग जानते हैं, मोस्टली सभी को पता होता है किरणवाद किसने दिया है, मिखाइल लोरियानोव ने दिया है, ठीक है, इसकी ट्रिक भी नहीं है, हमें अब पता है, वो तो याद है, ठीक है, याद रख लेना। आगे चलते हैं भविष्यवाद की बात करते हैं, भविष्यवाद की, आप लोग कभी कभी पढ़ते पढ़ते ऊब जाते हैं और फिर थक कर बैठ जाते हैं, आपको लगता है कि अब तो कुछ नहीं होने वाला है, बस जिंदगी झंड है, झंडू बाम है, ठीक है, और फिर कुछ टाइम बाद जैसे ही सुबह सोचते हैं ये कि अब तो कुछ नहीं होने वाला हमसे भविष्य में, शाम को जाते जाते शाम तक आपके दिमाग में एकदम इतना भयंकर मोटिवेशन पावर आ जाता है, कहते हैं अरे आज तो मैं फोड़ के रख दूंगा, मार के रख दूंगा, छक्का मारूंगा इस बार, तो क्या है भविष्यवाद में, मार के रख दूंगा, मतलब मारिनेती, फिलिप्पो तोमासो मारिनेती, ठीक है। भंवरवाद की बात करें, भंवरवाद की बात करें तो क्या है, भंवर, भंवर की बात हो रही है, तो भंवरवाद में क्या होगा, इजारा पॉन्ड विंडम लेविस हो जाएगा, ठीक है। भंवरवाद, भंवर का मतलब होता है क्या, किसी जाल में फंस जाना, किसी जाल में फंस जाना, भंवर में फंस जाना, भंवर में फंसने का मतलब क्या है कि जहर पी लेना, विष, विष याद रखना है इसमें, ठीक है, तो क्या है भंवरवाद का क्या होगा, लेविस, ठीक है, इतना आपको याद रखना है, तो भंवर में फंस गया कोई मतलब जहर पी लिया है उसने, विष में फंस चुका है, ठीक है, ऐसे याद रख लीजिएगा, अभी टाइम भी बता देंगे, ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। नव लचीलवाद की बात करें,
क्या है नवलचिल की, यहीं से बोल देते हैं दिया है। नवलचिल की बात करें तो देखिए कोई आपको पीट देगा तो आप बिल्कुल से ढुल्ले पुल्ले हो जाओगे, मतलब बिल्कुल से लचक जाओगे, लचीले टाइप के हो जाओगे। पीएट से याद रखना है पीएट मोंडिया, ठीक है, उल्टा लिख गया है मोंडिया, पीएट मोंडिया होगा, ठीक है। तो क्या है नवलचीलवाद का मतलब क्या है, पीएट मोंडिया हो जाएगा, ठीक है। सर्वोच्चवाद की बात करें, सर्वोच्चवाद की बात करें तो क्या है, सर्वोच्च की बात करें, कोई घिनाहा सा लड़का है, कोई घिनाही सी लड़की है, नहाती धोती नहीं है, ठीक है, खैर हम भी नहीं नहाते हैं कभी कभी, ठीक है। हाँ, तो जैसे कोई घिनाहा सा लड़का है, कोई घिनाही सी लड़की है, तो जब वो नहाएगी नहीं तो मैल जम जाएगा, और मैल कैसा जमेगा, बहुत ऊंचा ऊंचाई तक जम जाएगा, है ना। जब नहाओगे नहीं तो हाथ में जो मैल जमा होगा या शरीर में कहीं भी, तो जो जमा होगा वो बहुत ऊंचाई लेवल तक, हाई लेवल तक जमा होगा। तो बस आपको ऐसे ही याद रखना है सर्वोच्चवाद में क्या है, सर्वोच्चवाद में मैलाविच, ठीक है, सर्वोच्चवाद में मैलाविच याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं नेत्री की बात करें तो नैन मटक्का, नेत्री की बात करें या ऑप आर्ट की बात करें, ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, कहते नहीं है आप लोग बहुत डायलॉग मारते हैं कि यार तुम तो मेरे नेत्रों में बसी हो, बस नेत्रों में बसी हो, तो नेत्र में किसका वास है याद रखना है, बस उसी का वास है, ठीक है। तो नेत्र में विक्टर वासरेली, वास से याद रखना है नेत्री कला, ऑप आर्ट का मतलब क्या है वासरेली, ठीक है, ये याद रखना है। आगे चलते हैं ऑप आर्ट होगी, अब आते हैं पॉप आर्ट की बात करते हैं, यहाँ बहुत हंसी आने वाली है आप लोगों को। पॉप आर्ट, अच्छा किसी के पेट में गैस बनी हो, आपसे कोई मिलने जा रहा है, मान लीजिए आप लोग मिलने जाते हैं, आप मिलने जाते हैं, अब उस लड़की के पेट में बन गई गैस, या फिर लड़के के पेट में, किसी के भी पेट में गैस बन गई, अब जो वो आवाज धमाका होने वाला है वो किस तरह का होने वाला है वो तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो बस वही से याद रखना है आपको, पॉप से मिल्टन, मतलब मिलने गए हैं और बस धमाका हो गया, ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, अब आती है एक्शन पेंटिंग की बात। चलिए एक्शन पेंटिंग की बात आती है तो एक्शन से याद रखना है जैक्सन, जैसा नाम है वैसे ही उसकी प्रवर्तक है, तो एक्शन से हो गया जैक्सन पोलॉक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं आर्ट नोवो, अब देखिए कोई जो नया नया सीखने वाला होता है आर्ट, उससे कह दो मोर बना के दिखाओ, उससे कह दो मोर बना के दिखाओ, मतलब विलियम मॉरिस ने इसको दिया है, मतलब मोर बना के दिखाओ। कोई नया नया आर्टिस्ट है, सीखा हुआ है, बिल्कुल स्टार्टिंग से सीख रहा है आर्ट बनाना, उससे कह दो मोर बना के दिखाओ, वो कह देगा मुझे नहीं आती, नहीं से याद रखना है नोवो, ठीक है, आर्ट नोवो विलियम मॉरिस, ठीक है, मुझे नहीं आती, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं सुरीलवाद की बात करें, सुरीलवाद की बात करें, आप लोगों ने देखा होगा बैंक वाले बहुत बहुत भयंकर तरीके से चालू टाइप के होते हैं, बुरा मत मानना, ट्रिक है, ठीक है। जो बैंक वाले होते हैं बहुत बहुत बिल्कुल हाई लेवल के सुरीलवाद होते हैं, कैसे, जब आपको लोन देना होता है ना, मतलब जब उनको लोन का कोई भी काम करवाना होता है, बड़े प्यार से बोलते हैं कि भाई साहब आप लोन लेंगे, बहन जी आप लोन लेंगे, और जैसे ही लोन ले लो और ये सब कर लो तो भैया छू हो जाते हैं, फिर नहीं आने वाले, है ना, फिर छू हो जाएंगे, फिर नहीं आने वाले, क्योंकि उनको तो भैया पैसा मिल गया है ना, उनको जो बेनिफिट होना था वो मिल गया है, फिर आप ही चक्कर लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सुरील से याद रखना है, सुरीली आवाज निकालते हैं कौन, जब लोन लेने के लिए आते हैं, मतलब बेलोने, आपको याद रखना है, ठीक है। अभी रिवाइज भी करवा देंगे, परेशान मत होइए, पहले इतना पढ़ लीजिए। स्वच्छंदतावाद की बात करें, स्वच्छंदतावाद, रोमांसवाद, एक सेकेंड, चल तो रही है ना, हाँ चल रही है, ठीक है। स्वच्छंदतावाद या रोमांसवाद की बात बताते हैं, आपकी शादी हो गई है, लड़कियों में मोस्टली क्या होता है कि अगर उनके पति देव रोमांटिक टाइप के हैं तो वो इतनी भयंकर फोटो खींचेंगी, रील्स बनाएंगी, उसको डालेंगी, क्यों डालेंगी, अपनी सहेलियों को दिखाने के लिए, उनको जलाने के लिए। तो बस यहीं से याद कर लेना, स्वच्छंदतावाद या रोमांसवाद, जलाने के लिए जेरी कॉल्ट, तो यहां से आपका समझ में आ गया जेरी कॉल्ट, स्वच्छंदतावाद या रोमांसवाद। आगे चलते हैं नवशास्त्रीवाद की बात करें, क्या है एक सेकेंड, चलिए हाँ बात करेंगे नवशास्त्रीवाद, डेविड जो शास्त्री जी होते हैं, जो पूजा पाठ करवाते हैं, उनको आप लोग हमेशा दावत में बुलाते रहते हैं कि पंडित जी घर आ जाइएगा, खाना पीना खा लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे याद रख लीजिए नवशास्त्रीवाद, डेविड, ठीक है, ये डेविड कुछ भी दे दे,
याद रखना है, ठीक है। आगे बात करेंगे रीतिवाद, रासे रीतिवाद, रासे रफेल आपको याद रखना है। तो यहाँ से आपकी ये पूरी ट्रिक हमने आपको बता दी है, उम्मीद है पसंद आई होगी, और जितना भी पढ़ा रहे हैं ना एकदम सिलेक्टेड है, और हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग रहता है, और जो हम शब्दों का यूज करते हैं वो केवल पढ़ाने के उद्देश्य से करते हैं ताकि आप लोग हंसी हंसी में पूरा याद कर लें, ठीक है। चलिए एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, चलिए आ जाइए। नव वर्गवार, लाइन में खड़े हुए हैं, मम्मी पापा ने बोल दिया है चूज कर लो जिसको पसंद करना है, तो नव वर्गवार चूज से चोजिम बन गया, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रभाववाद की बात करें, मोना लड़की है वो हमें प्रभावित कर रही है, ठीक है, हो गया क्या, प्रभाववाद मोनी लड़की है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब नया नया प्रभाव होता है तो आप लोग सोरी सोरा बहुत बोलते हैं, ठीक है, तो याद रखना नव प्रभाववाद में जॉर्ज सोरा हो गया, और जब पुराना हो जाता है बहुत खिंच जाता है लंबा लंबा, ठीक है, काफी टाइम हो जाता है, तो क्या है उत्तर प्रभाववाद आता है, और तब तक आप क्या कहते हैं, अरे जा, जब तुझे माफ किया, ठीक है, तो जा से याद रखना है सेजम हो जाएगा, और इसका टाइम याद रखना है उत्तर प्रभाववाद का 1906, ठीक है। देखिए यहाँ जो टाइम लिखे है ना, कुछ टाइम तो बिल्कुल एक्चुअल है और कुछ जो है लगभग में दिए हुए हैं, क्योंकि हमने अलग अलग जितनी भी हमने बुक्स देखी है सब में टाइम अलग अलग दिया हुआ है, तो टाइम में थोड़ा सा हो सकता है कि आगे पीछे, लेकिन टाइम आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा कि इसी के आसपास का टाइम मिलेगा। जैसे आपसे अगर उत्तर प्रभाववाद का टाइम पूछता है तो हो सकता है कि एग्जाम में 1907 दे दे या 1905 दे दे, मतलब आसपास का ही मिलेगा इसके, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रभाववाद में अगर टाइम पूछता है तो हो सकता है 1906 ही दे दे, 7 दे दे, 8 दे दे, मतलब यही के आसपास पूछा जाएगा, ठीक है, ये है हमारा मतलब कहने का। आगे चलते हैं, प्रभाव हो गया, अब हाउ की बात करते हैं। पाव भाजी को अगर बनाना है आपको तो माचिस जलानी होगी, मातिस हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, यथार्थ की बात करें, यथार्थ का मतलब आजकल की सच्चाई क्या है, लोग केवल मांगते हैं, क्या कहते हैं, दो 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 तो ही, ठीक है। आगे घनवाद की बात करें, घनवाद सभी को पता होता है तो याद रखना है घनवाद। आगे अभिव्यंजनवाद की बात करते हैं, व्यंजन मतलब खाना, खाना कैसे खाते हैं आप लोग, मुंह से खाते हैं। देखिए घनवाद का टाइम 1907 का है, ठीक है, ये भी याद रखना है। फाववाद का 1905 का टाइम है, प्रभाववाद का 1870 का है, उत्तर प्रभाववाद का 1906 का है, ठीक है। अभिव्यंजना मुंह से खाते हैं हम लोग खाना, ठीक है। दादावाद 1916 का टाइम मिलता है, और ये जो दादा होता है वो एकदम भूसा मारने के लिए एकदम तैयार होता है, और ज्यादा पिक पिक की तो बस ठोक दिया, ठीक है, ये याद रखना है। आगे चलते हैं अति यथार्थवाद, अब किसी ने ज्यादा ही दो 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 किया तो कहते हैं लाभ हमारी भेद उठाओ, इसको ठोक दिया जाए, तो आंद्रे ब्रेतो हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका टाइम मिलता है 1920 का। आगे किरणवाद की बात करें, तो किरण से आप लोगों को याद ही रखना है, ये सभी को लगभग याद होता है, मिखाइल लोरियानोव, ठीक है। आगे चलते हैं, भविष्यवाद की बात करें, तो भविष्य में आप लोगों का दिमाग कभी कभी इतना भयंकर मोटिवेट हो जाते हैं कि कहने लगते हैं कि अब तो हम छक्का मार ही देंगे, मार से याद रखना है, मार येती हो जाएगा। भंवरवाद की बात करें, अब किसी जहरीले इलाके में आप फंस चुके हैं, भंवर में फंस चुके हैं, और वो कैसा है, जहरीला है, मतलब विष, तो लेपिस याद रखना है भंवरवाद। इसका टाइम है 1913 से 1915, भविष्यवाद का है 1909 से 1917, किरणवाद का है 1910 से 1920, और अति यथार्थवाद का 1920, दादावाद का 1916 है, घनवाद का 1907 है, हाववाद का 1905, प्रभाववाद 1870, उत्तर प्रभाववाद 1906, तो ये पूरा आपका कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आगे। आगे दिया है नव लचीलवाद, क्या दिया है, नव लचीलवाद दिया है, तो किसी को ठोक ठाक दो, मतलब पीट दो, तो वो कैसा हो जाता है, बिल्कुल टेढ़ा टाइप का हो जाता है ना, बिल्कुल लचील टाइप का हो जाता है, वही चीज है, तो नव लचीलवाद मोंडिया पेटा हो गया। आगे चलते हैं, सर्वोच्चवाद की बात करें, तो नहाओगे नहीं भैया तो मैल जम जाएगा, और कितना मैल जमेगा, खूब ऊंचाई तक जम जाएगा, तो सर्वोच्चवाद क्या होगा, मैला विच हो जाएगा, ठीक है। 1913 का टाइम मिलता है, और नव लचीलवाद का टाइम क्या था, 1910 से 1931 था, ठीक है। नेत्र की बात करें, नेत्रों में तो बसी हुई है कोई ना कोई, ठीक है, बसा हुआ है, तो क्या है, वासरेली हो जाएगा, विक्टर वासरेली। पॉप आर्ट की बात करें, अब आप किसी से मिलने गए हुए हैं, ठीक है, उसके किसी ना किसी के पेट में गैस बनी हुई है, अब वो जिस तरह का धमाका होने वाला है, जो साउंड निकलने वाला है, उसको क्या बोलेंगे, तो पॉप आर्ट का हैमिल्टन हो गया, 1950 से 1970 का टाइम है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर,
होता होगा ऐसा, है ना, होता होगा। चलिए आगे चलते हैं। दिया है एक्शन पेंटिंग। एक्शन का क्या होगा, जैक्सन जैसा नाम है वैसे प्रवर्तक है। आगे चलते हैं, आर्ट अनुभव की बात करें। अब कोई नया नया बच्चा है जिसने आर्ट आर्ट सीखी हुई है बिल्कुल से, उससे आप मोर बनाने को कह दो तभी नहीं बना सकता है, वो तो कहेगा मैं तो नया हूं मैं नहीं बना पाऊंगा। तो नोवो मोरिस, ठीक है। सुरीलवाद की बात करें, लोन लेने के लिए आपके पीछे पड़ जाते हैं बिल्कुल से, सुरील आवाज निकालने लगते हैं कि सर लोन निकला लीजिए, लोन निकला लीजिए, ठीक है, याद रखना। इसका टाइम क्या है, 1910 से 13 है, और एक्शन पेंटिंग का 1952 था। स्वच्छंदतावाद की बात करें, रोमांसवाद की। अब लड़कियों की तो आदत होती है कि भैया हमें तो मतलब कि उनके पति अगर उनके पास आ रहे हैं, थोड़ा सा भी कुछ हो रहा है तो बस रील बननी है और जलाना है किसको, शहेलियों को। तो जेरी कॉल्ट आपको याद रखना है रोमांसवाद या स्वच्छंदतावाद में। नवशास्त्रीयवाद की बात करें तो शास्त्री जी की हमेशा दावत होती है, पंडित जी को हमेशा बुलाया जाता है, तो यहां से आपको ये याद रखना है। कब का टाइम है, 1770 से 1830 का टाइम मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं, रीतिवाद, राशि रीतिवाद हो गया, राशि राफेलवाद हो गया, और इसका टाइम क्या मिलता है, 1530 से 1600। इनका टाइम फिर से सुन लीजिए, नवलचीलवाद का 1910 से 31, सर्वोच्चवाद का 1913 है, नेत्री आर्ट या ऑप आर्ट का 1930 है, पॉप आर्ट का 1950 से 1970 है, और एक्शन पेंटिंग का 1952 है, और सुरीलवाद का 1910 से 13 है, रोमांसवाद का 1800 से 1890, नवशास्त्रीवाद का 1770 से 1830 है, और रीतिवाद का 1530 से 1600। और यहाँ फिर से देख लीजिए, भवनवाद में 1913 से 15 है, भविष्यवाद में 1909 से 17 है, किरणवाद में 1910 से 20 है, अति यथार्थवाद में 1920, दादावाद 1916, घनवाद 1907, भाववाद 1905, प्रभाववाद 1870, उत्तर प्रभाववाद 1906। तो इस तरह से आपके पूरे कलावाद और उनके प्रवर्तक और साथ में उनका टाइम आपको बता दिया है हमने, ठीक है। ये बताइए क्लास कैसी लगी आपको, बताइए सभी लोग फटाफट से। और देखिए क्लास में अच्छाई दिख रही है, ये नीला रंग जो है ना अच्छाई का प्रतीक है, और ये लाल रंग बुराई का, ठीक है। अच्छाई दिख रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे बताना है, लाइक भी कर देना है, दिल भी उड़ा देना है, ठीक है। और ये जो रेड कलर है ये बुराई का प्रतीक है, ठीक है। अगर बुरा लग रहा है तो बुरा में भी अनलाइक कर देना, ठीक है, लाइक ना कर पाओ अनलाइक कर देना, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ इतने बच्चों को अच्छी नहीं लगी क्लास, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स पे भी लिख देना नकारात्मक बातें, नकारात्मक विचार आपके, ठीक है, जो जो आपके मन में आ रहे हैं। तो ये दोनों ही चीजें आपको बतानी है, अच्छी भी है तो अच्छी भी बतानी है, बुरी है तो बुरी भी बतानी है, ठीक है। हर चीज के दो पहलू होते हैं, अगर अच्छाई होती है तो बुराई भी होती है, तो आपको हर चीज बतानी है नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आपके जितने भी वाद थे वो कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है। ऐसे ही हम करवाएंगे कि मतलब आप लोगों को बोरियत ना महसूस होने पाए, टॉपिक चेंज करते जाएंगे बीच बीच में। आज जैसे ये पढ़ा दिया है, अब फिर चित्रों में आ जाएंगे, चित्र पढ़ाने लगेंगे, चित्रों में बीच में फिर कोई दूसरा टॉपिक उठा देंगे, कोई गुफा उठा देंगे अच्छी सी, या कोई पुस्तक उठा देंगे, या ग्रंथ के बारे में उठा देंगे, ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग पूरा पढ़ लेंगे कंप्लीट, ठीक है। क्लास कैसी लगी है बताना जरूर है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, चलो ले लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट से। चलिए ऑफ करते हैं।